हे गाय माता ठीक हो जाओ, आप उठ जाओ, कटने वाला है फिर दोबारा। अच्छा एक बार एक काट के ले गई। दोस्तों आप लोगों को मैं एक सरप्राइज बताने वाला था कि मैं, तो गाइस देखिए एट द एंड पॉइंट का सिस्टम लग रहा है क्योंकि उसकी आंखें भी ऊपर हो चुकी है। तो गोपेश्वर के पेट्रोल पंप पे डे बाई डे यार बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, खूबसूरत मजे होंगे, मस्त होंगे और मस्त रहने का भी है। तो यार जस्ट अभी उठा और सुबह सुबह मम्मी की गाली खा के आज हम लोग नहा गए क्योंकि दो तीन दिनों से नहाए नहीं थे। तो मम्मी बोल रही थी भाई नहा नहीं रहा है टाइम पे, तो आज नहाए गए। और यार कल रात बहुत ही तगड़ी वाली गर्मी फील हो गई, तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे अब गर्मी आने लग गई है। वैसे तो होली के बाद माना जाता है कि गर्मियों का सीजन, बट कल रात बहुत ही तगड़ी वाली गर्मी होगी। तो अभी देखिए मैं पहले क्या कर रहा हूँ। तो अभी एक दो प्रोजेक्ट थे तो वो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, तो बना लिया है मैंने वो। इस प्रोजेक्ट को हम लोग देते हैं भाई जी को, देन उसके बाद आज हम लोग जहाँ जाने वाले हैं मैं आप लोगों को बता दूँ, तो आज हम लोग जाने वाले हैं मिनी स्विट्जरलैंड, मतलब चोपता। तो बहुत ही अमेजिंग जगह है, बर्फ थोड़ा बहुत पिघल गई है और रास्ता खुल गया है। मैं काफ़ी टाइम से बोलता कि चोपता जाना है, बट प्लान हो नहीं पा रहा था, लेकिन आज फाइनली प्लान बना है। तो पहले हम लोग चैन स्प्रे कर लेते हैं थोड़ा चैन पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सूख गई यार चैन, देख सकते हो आप लोग ये वाली चैन। हल्का हल्का मार लेंगे, मारता तो मैंने सुबह भी था थोड़ा, बट अभी भी मार लेंगे यार। और आज टायर भैया प्लीज़ इस वाले उसमें साथ दे देना हमारा। और गंदी भी बहुत हो गई यार, मेरे को एक कमेंट आया था कि भाई गाड़ी तो धुलवा लेते, धुलवाने का टाइम ही नहीं हो पा रहा यार, थोड़ा बहुत बिजी है काम पर। और देखो यार इसका जो वाला ग्राफिक्स है ना, ये भी फटने लग गए हैं। तो सजेस्ट करें मुझे कि कौन से ग्राफिक्स लगाने चाहिए इस पर, एक तो मैंने देखा है बट आप लोग भी सजेस्ट करें इंस्टाग्राम पे। ये इधर से देखो, इधर से फट गया ये। तो निकलने से पहले हमें एक काम है, तो इसमें देखिए आप ये है बुरांस, तो आज हम लोग पहले बुरांस का जूस बनाने वाले हैं। तो अदिति ने यह आएगी हमारे तक जूस सेंटर तक, तो वहाँ पर हम इसको दे देंगे, देन उसके बाद अपनी आज की राइड शुरू करेंगे। ये है गोपेश्वर का जूस सेंटर, तो यहाँ पर जैम जूस अचार सब कुछ बनता है। तो अभी हम लोगों ने तो देखो बुरांस दे दिया अपना, तो वो पहले बॉयल होगा, फिर उसके बाद चीनी ठंडी होगी, देन ऐसे डब्बों में बनाया जाएगा। तो देखते हैं कब तक बनता है, बट हम लोगों ने तो दे दिया है, तो अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग। पेट्रोल पंप से निकलते निकलते यार ढाई बज चुका है, और ये लेट होने का रीज़न ये है कि यार जो गोपेश्वर के पेट्रोल पंप पे डे बाई डे यार बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो पेट्रोल मिल ही नहीं पा रहा यहाँ पे। तो फिर वापस जाना पड़ा मुझे कमरे पे, तो जो मैंने अपने डब्बे पे रखा था इमरजेंसी के लिए वो यूज़ करना पड़ा, और ढाई से तीन लीटर तो था यार उसमें बचा हुआ, तो वही डाल दिया। अभी देखो पहुंच पाते हैं कि नहीं। और जो हमारे सेकंड पार्टनर है दीक्षु भाई, वो तो हरियाली पहुंच गए हैं, उनकी गाड़ी में तेल था ही, और हमारी गाड़ी में तेल ना होने की वजह से यार दोबारा कमरे पर जाना पड़ा। मतलब आज मैं दो तीन बार कमरे पर चले गया जब से कमरे से निकला हूँ, बट फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं गोपेश्वर से। और टाइम के अकॉर्डिंग यार हम लोग सही टाइम पे पहुंच गए, तो इवनिंग में ही चंद्रशिला जाएंगे, और टाइम पे नहीं पहुंचे तो हम लोग फिर मॉर्निंग में करेंगे। मतलब आप लोगों को जो सनसेट या सनराइज दोनों में से एक ना एक चीज़ ज़रूर दिखाएंगे। तो निकलते हैं गोपेश्वर से। दीक्षु भाई और अंकुर भाई देखो यार भाई इतने आगे पहुंच गए थे ना, तब हमने इन लोगों को मंडल पर रुकने के लिए कहा, तो ये लोग अभी मंडल पर रुके, तब अब सब साथ चलने का प्लान बन रहा है। तो जस्ट अभी हम लोग वही प्लान कर रहे थे, माना टाइम पे पहुंच गए तो भाई सनसेट दिखाएंगे, वरना कल मॉर्निंग 3 बजे इस जगह पे। ओहो भाई देखा आप लोगों ने भाई, 1 लेन का चक्कर यही है, 1 लेन में गाड़ियाँ ऐसे आ जाती है ना, मुँह पे समझ नहीं आता है। और देखो स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती हुई, स्कूल के बच्चे बहुत दूर दूर जाते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, क्योंकि बैरंगना में ही प्राइमरी स्कूल है और बैरंगना में ही हाई स्कूल है। दोस्तों आप लोगों को मैं एक सरप्राइज बताने वाला था कि मैं, हेलो 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 बोलिए बोलिए क्या कर रहे हो बाय बाय। तो देखो भाई छोटे छोटे बच्चे रोड पे ऐसे मस्ती करते हैं, और जब इस रूट पे यात्रा सीजन शुरू होता है ना, तो बच्चे लोग ऐसे ही गाड़ियाँ देख के खुश हो जाते हैं यार।
हम लोगों ने लिया एक छोटा सा ब्रेक, तो मैं आप लोगों को पहले लोकेशन दिखाता हूँ क्या मस्त लोकेशन है। तो ये है लोकेशन गाइस। तो यहाँ पे एक छोटा सा धारा है, बहुत ही अल्टीमेट। तो भाई लोग अभी पानी वानी भर रहे हैं, और ये है हमारे दीक्षु पांडे और भाई के अंशुल भाई, अंकुर भाई अपनी हॉर्नेट लेके आए हैं। तो मैं बता लूँ आप लोगों को, ये है मेरे जूनियर कॉलेज टाइम पे। तो अंकुर भाई दीक्षु भाई लोगों के साथ फुल मस्ती करते हैं, और जो ये वाली लोकेशन है बहुत लोगों की फेवरेटेबल लोकेशन है, समझ सकते हो कि क्यों मैं फेवरेटेबल बोल रहा हूँ। तो जहाँ तक आप देख सकते हो, ये है एक स्पॉट जहाँ पे बहुत लोग अपना पार्टी इंजॉय करते हैं। तो हम लोगों ने भी इंजॉय किया, कोल्ड ड्रिंक वोडिंग मंगाई, कोल्ड ड्रिंक वोडिंग पी, देन अब निकलते हैं आगे। हम लोगों ने ये सोचा कि आप लोगों को मॉर्निंग का सनराइज़ दिखाएंगे, जो व्यू आता है ना मॉर्निंग का वो दिखा पाएंगे, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है यार, 3:30 हो चुका है यहाँ पे। तो हम जब तक ऊपर चढ़ते हैं लगभग 5-6 बज जाएगा, बट आज हम लोगों का जो स्टे पॉइंट है वो है चोपता। तो दोस्तों पहला स्टॉप लेने के बाद अब सेकंड स्टॉप लिया, तो भाई ठीक सामने देख सकते हो यार, ये प्यारा सा व्यू देखो आप लोग, ये है गोपेश्वर शहर, और जस्ट इसके चारों तरफ देखो आप लोग, पूरी बर्फ ही बर्फ है, क्या मस्त, एकदम मस्त लग रहा है। और जस्ट अभी हम लोग जहाँ पे रुके हैं, जस्ट इसके पीछे देखो इतने सारे बुरांस खिले हुए हैं ना, कि बहुत ही अल्टीमेट। तो मैं आप लोगों को बता, बुरांस जो है उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, तो जो हिली एरिया में ही खिलता है, बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है यार। तो जस्ट यहाँ इस पेड़ों पे देखो, तो संजू भाई निकाल रहा हूँ। तो संजू भाई हमारे लिए भाई बुरांस का फूल तोड़ के लाए हैं। तो संजू भाई कितनी मेहनत लगी आपको? अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये हमारा राज्य पुष्प, तो भाई इसका जूस बनता है, जो मैं आप लोगों को मॉर्निंग में ही बता रहा था कि जो हम लोग थोड़ा बहुत लाए थे तो उसका जूस बनता है। तो संजू भाई इसका भी हम जूस बनाने वाले हैं क्या? इसको घर ले जाएंगे। तो ये देखो गाइस, बहुत ही अल्टीमेट वाला फूल है ये। तो अभी हम लोग और बहुत सारे निकालने वाले हैं, तो लगभग 1-2 किलो तो निकाल ही देंगे संजू भाई, कट्टा भर के। ठीक है, तो संजू भाई कट्टा भर के निकालेंगे, देन उसके बाद क्या बनाएंगे? तो हम लोगों ने जो सेकंड स्पॉट था वहाँ से निकल चुके हैं, और जो संजू भाई हमारे लिए बुरांस के फूल आए थे वो हम लोगों ने गोकू पे लगा दिए। तो देखिए गोकू भी बुरांस के फूलों के मज़े ले रहा है, मस्त एकदम। तो भाई ये वाला फूल है ना बहुत ही खूबसूरत दिखता है, और जब इसका पेड़ देखते हो ना आप लोग, बहुत ही अल्टीमेट। तो भाई जो इसका जूस होता है ना वो बहुत ही हेल्दी होता है बॉडी के लिए, और एकदम टेस्ट में भी बहुत प्यारा होता है। तो अभी तो हम लोगों को बहुत सारे बुरांस के फूल दिखने वाले हैं रास्ते में, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना ये पूरा सेंचुरी एरिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर सभी प्रकार के भाई फूल मिलने वाले हैं, और बहुत सारे एनिमल्स मिलने वाले हैं। तो गॉड से यही वो करते हैं कि मैं कस्तूरी मिर्ग दिख जाए तो भाई मज़ा आ जाए। दोस्तों देखो यार, एक गाय हम लोगों को दिखी है जिसकी थोड़ा हालत नाजुक है, तो दीक्षु भाई और अंकुर भाई उसको थोड़ा बहुत पानी पिला रहे हैं, देखो थोड़ा बहुत हेल्थी हो जाए। और उसका छोटा सा बेबी भी है यार, तो वो भी उसके साथ है, तो हम लोग थोड़ा सा पानी पिला के उसको ठीक करते हैं। हे गाय माता ठीक हो जाओ, आप उठ जाओ, संजू उतरो भाई, देखो क्या हो गया। आई थिंक ओहो, तो भाई देखिए एट द एंड पॉइंट का सिस्टम लग रहा है, क्योंकि उसकी आंखें भी ऊपर हो चुकी है, बट हम लोग तो ट्राई कर ही सकते हैं। तो पानी वानी पिला रहे हैं उसे, हेलो हेलो हेलो, बहुत ही खतरनाक वाला सिस्टम हो गया है यार ये गाय माता। तो ऐसा करते हैं, ऊपर पे कोई होगा ना उन्हें बोल देंगे कि भाई है कि नहीं, फॉरेस्ट वालों, फॉरेस्ट वालों को बोल देंगे ना, ऊपर पे भी है एक, नहीं ऊपर पे भी है, तो ऊपर वाले को बोल देते हैं चलो। तो हम लोगों ने पानी तो पिला दिया, बट उसकी हालत बहुत ही नाजुक हो रही है, तो हमें फॉरेस्ट वाले दिखेंगे तो उन लोगों को हम लोग बता देंगे गाय है वहाँ पे यार। दोस्तों पानी वानी तो हमने पिला दिया था, बट गाय माता का शायद लास्ट मोमेंट है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। तो हम लोग को कोई फॉरेस्ट वाला मिलेगा ऊपर तो उन्हें हम लोग इन्फॉर्म कर लेंगे यार कि वहाँ पे गाय है, तो उसका ध्यान रखें। तो गाय माता सॉरी, हम लोग इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, और जो उसका छोटा बेबी है ना, सॉरी छोटे बेबी, हम आपकी मम्मी की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी ऊपर जाके हम किसी को इन्फॉर्म कर लेते हैं, तो इन्फॉर्म कर लेंगे यार किसी को ऊपर पे जाके, तो वो लोग क्या पता हेल्प कर ले गाय माता की, क्योंकि हम लोगों को इसका ज़्यादा नॉलेज है नहीं। हमें रास्ते में कोई भी फॉरेस्ट वाला पशुपालन वाला मिलेगा तो उसने हम लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि यार इस गाय की हेल्प कर दो, हम लोग तो कर नहीं पा रहे इतनी,
बट कोई ऊपर जल्दी से मिल जाए तो हम उन्हें बता देंगे यार ये वहाँ पे केस है। ओहो गाइस, जिस चीज का हमको वेट था भाई वो चीज हमें दिख चुकी है, तो चोपता की बर्फ जिसके लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो यार गाइस देखो दोनों तरफ से बर्फ ही बर्फ दिख रही है, लेफ्ट साइड पे जाओ तो बर्फ, राइट साइड पे बर्फ। तो अभी हम लोगों ने तो आधे ही रास्ता किया है बट बर्फ दिखने लग गई है। तो सोचो गाइस जब हम लोग चंद्र से लाके टॉप पे जाएंगे तो वहाँ बर्फ क्या होगी। तो आप समझ सकते हो कि भाई जहाँ पे हम लोग हैं ना यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, बर्फ से लेके सुकून से लेके सब कुछ। तो ये देखो गाइस आप बर्फ ही बर्फ, और बर्फ के बीच में जो गाड़ी चलाने का मजा है ना भाई बहुत ही अल्टीमेट। और ये वाली लोकेशन देखे गाइस, ये वाली लोकेशन। तो 4 बजने वाला है तो हमारा व्लॉग आने वाला है, तो उसको हम लोग अभी अपलोड करेंगे। अभी नेटवर्क तो है नहीं, हम लोग नेटवर्क की खोज में है भाई। यहाँ पे ये दिक्कत है कि नेटवर्क मिल नहीं रहा है, तो नेटवर्क जहाँ पे भी मिलेगा हम लोग वहाँ पे रुक जाएंगे, अपना व्लॉग अपलोड करेंगे। तो देखते हैं हम लोगों को कहाँ पे मिलता है नेटवर्क। तो दोस्तों इस वाली लोकेशन पे हम लोगों को नेटवर्क मिल चुका है, तो हम लोग फटाफट से करते हैं अपना व्लॉग अपलोड, जल्दी जल्दी हो जाए अपलोड। बाय। हाँ जी नीचे रास्ता ठीक है, हाँ जी बहुत अच्छा है, हाँ जी थैंक यू। तो गाइस हम लोगों ने व्लॉग अपलोड कर दिया था बट अब ये देखो गाइस दिस इज ब्लैक आइस, और इसमें बहुत ही केयरफुली चलना पड़ेगा यार। वो अंकल की तो गाड़ी यहाँ पे स्लिप कर गई थी बट थोड़ा सा एंड पॉइंट पे दिक्कत है, शायद यहाँ पे बाइक नहीं जा पाएगी, बट हम लोग केयरफुली चलाएंगे तो निकल जाएगी। और एक छोटा सा पैच है इसमें ही ब्लैक आइस लगी हुई है, उधर साइड तो पूरा एकदम सही है। दोस्तों हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं बट जो ये ब्लैक आइस थी ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करती है यार। और कुछ भाई लोग मिले थे हमें रास्ते में जो चोपता से ही बिलोंग करते हैं, तो भाई लोग बोल रहे थे कि रहने की दिक्कत होगी हम लोगों को बता देना। तो देखते हैं स्टे का क्या होता है, बहुत सारे लोग नोन भी हैं जहाँ पर हम लोगों को ईजी टू वे मिल जाएगा। तो गाइस रुकने की व्यवस्था बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पे अभी भी ठंड बहुत ही ज़्यादा है, अभी भी थोड़ा थोड़ा ठंड फील हो रही है देख सकते हो आप लोग, क्योंकि बर्फ़ की जो हवा चलती है ना भाई बहुत ही तगड़ी चलती है रात में। तो इसीलिए सबसे पहले रुकने की जगह ढूंढते हैं अपने लिए। तो एक दो होटल्स हमारे नोन में है ही, तो उनसे भी पता कर लेते हैं कि रूम्स अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भाई सीजनल बहुत ही ज़्यादा रश होता है तो बुकड होंगे रूम्स है। तो हमारा पहला होटल तो आ गया रोमोलॉजी का। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो पूरे चोपते तक हम घूम के आए, तो रूम का थोड़ा दिक्कत हो रहा था तो हमको एक होटल मिला है, होटल ग्रीन वैली, जो हमारे रोमोलॉजी का है। तो लास्ट में हम लोग यहीं पे आए हैं, तो पहले मैं आप लोगों को अपना रूम दिखा देता। तो गाइस ये है हमारा रूम, बहुत ही मस्त हो रहा है, मतलब 2 बेड है और एक सिंगल बेड है, मतलब 4 लोगों के लिए तो काफ़ी है और पूरी रात बारात मस्ती होने वाली है। तो ठीक सामने देखे दोस्तों सनसेट होने वाला है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मतलब जो ये व्यू दिख रहा है ना बहुत ही अमेजिंग है। तो संजू भाई कैसा लग रहा है आपको, मज़ेदार? तो रात में आज मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर लाइट का थोड़ा दिक्कत है, तो जो हमारे रोमोलॉजी है उन्होंने बताया कि इवनिंग में सोलर से लाइट आ जाएगी, तो हम लोग अपने सारे गैजेट चार्ज वार्ज कर लेते हैं। और जस्ट अभी हम लोगों ने चाय और मैगी मंगाई है, तो पहले चाय और मैगी के मजे लेते हैं, देन इस सनसेट के मजे भी लेंगे हम लोग। Straight from the 90s, a living life of gangsta, my skills gonna hit you run like scamper, standing as step in your front, not a camper, split the FS, I'm gonna lose my temper, acid on my dunk, I feel like euphoria, sitting on my home, but I'm tripping in Astoria. Yeah. I was lost in my thought, fucking a brain till 40 watts, smoking OG Kush with a crazy vibe on 762 ammo, I'm a gun for fucking my enemy with the AKMR, freaking feel so damn out of your mind, not just flow, dog. तो दोस्तों देखो मैगी चाय और व्यू, तो यो व्यू दिख रहा है ना भाई बहुत ही अमेजिंग। अंकुर भाई कैसा लग रहा है, मजेदार? मजेदार। संजय भाई, तो अभी हम लोग जो रुके हैं होटल चोपता ग्रीन व्यू में रुके हुए हैं, और बहुत ही अच्छी सर्विसेज हैं यार। तो रमोला जी आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आप लोगों ने इतनी अच्छी सर्विस दे रही है अभी तक हमें स्टार्टिंग से ही। तो यहाँ पे हमारे एक आसिक देखिए भाई, दिन भर फोन। हाँ भाई जी बोलो। ये बंदा ऐसा है। हाँ भाई जी
इसका कटने वाला है फिर दोबारा। अच्छा एक बार एक काट के ले गई, इस बंदे ने 4,000 रुपए का रिचार्ज करवाया और उसके बाद चले गई। अच्छा उस लड़की को सिर्फ मंथ के 28वें दिन में इसकी याद आती थी कि दिक्षु नाम का एक व्यक्ति है हमारे साथ, रिचार्ज कर दो एक महीने का। दीक्षु ने हाँ ये सॉरी लाइन ये था, दीक्षु बेबी रिचार्ज कर, तो रिचार्ज खत्म हो गया। दीक्षु ने बेबी नाम सुन के एक महीने बेबी 3 महीने का करेंगे हम यहाँ। तो दोस्तों ये सब मस्ती चल रही है, दीक्षु भाई का भी टीनेजर है तो फुल मस्ती कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फन चल रहा है अभी। दीक्षु भाई ऐसा कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं है। तो ठीक है भाई, हम तो कुछ हो सकता है। हाँ तो दीक्षु भाई सब मस्ती चल रही है, संजू भाई उनकी आज खींचातानी कर रहे हैं, तो अभी हम लोग मैगी के मजे लेते हैं। चम्मच है मैं गोपेश्वर दावी बंदा जिवे आगे आया आगे वे ना बनाया ना कमाया ना नी गवाया तेनू मेरी गला सारी सोनी क्यों नी लगदी है तू लगे प्यारी।